अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू होम कुकिंग विद मोहसिन। तो आज मैं आपके लिए मसाला मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mohsin0903, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिए है 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क, जिसे हमें बॉईल करना है। 1 कप शुगर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, अ पिंच ऑफ येलो फूड कलर। 1/2 लीटर मिल्क में 2 बॉटल्स रेडी हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बॉटल लिए हैं। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। गैस हमने ऑन कर ली है और इसे हमें फुल फ्लेम पर बॉईल करना है। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप शुगर। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड कर सकते हो इसमें। फुल फ्लेम पर हमें इसे बहुत अच्छे से बॉईल करना है। स्पून से हम इसकी जो हमने डाली है शुगर वो डिसॉल्व कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। देखिए दूध हमारा बिल्कुल बॉईल हो चुका है अच्छे से। 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर मैं इसे और बॉईल करूँगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपना टाइम बचाना तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हो, जिससे ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और ज़्यादा देर आपको फ्लेम पर रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बट मैं यहाँ पर इसी तरीके से रिड्यूस कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम रखूँगी इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ येलो फूड कलर, जो कि मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये जो साइड से मलाई जमती है ना, उसे भी हम बिल्कुल ऐसी करके इसमें डालते जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मसाला मिल्क में। साथ में हम डाल रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। अगर आप चाहो तो इसका जो पाउडर बनाकर भी आप इसमें डाल सकते हो, और चाहे तो आप इसी तरीके से कटा हुआ भी डाल सकते हो। ऐसा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस अभी भी हमारी स्लो पर ही है, ताकि ये साथ ही साथ थोड़ा सा रिड्यूस होकर थिक भी हो जाए। देखिए कितना अच्छे से इसमें कलर भी आ चुका है, और ये अच्छे से स्लो फ्लेम पर भी ये उबल रहा है, मतलब ये अच्छे से अभी थिक हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस बंद कर ली है, और अभी हम इसे थोड़ा सा ठंडा रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे, और इसमें उसके बाद हमें इसे बॉटल में भरना है। इससे 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, जो कि 2-3 ड्रॉप्स हमें डालना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हो डालना तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे बॉटल में पोर करेंगे। मिल्क हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। 2 से 3 घंटा फ्रिज में रखने के बाद आप इसे सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेरी है और एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू हैव, प्लीज़ कॉमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।